Hi guys, welcome for after a very long time. So it is the Thanksgiving long weekend and we are on the streets of Milton downtown. It is 11 a.m. in the morning and we are going to the Mill Pond in Milton, which is exhibiting beautiful fall colors. So dekhiye friends, ye hai Milton mein Mill Pond ki entrance, flanked by shrubs on both sides. और ये सामने मिल पॉन्ड है और उसके आसपास सारे कलरफुल ट्रीज। ध्यान से देखें तो दूर गीज का जोड़ा नजर आ रहा है, टू पेयर्स ऑफ गीज एंड कैनेडा गूज, जो है यहाँ की बड़ी फेमस बर्ड है, जैसे मैंने आपको एक ब्लॉग में और बताया है। और कैनेडियन विंटर जैकेट्स जो कैनेडा गूज के नाम से बहुत फेमस है, उनमें इसी के फेदर्स यूज होते हैं। ये देखिए रास्ता जहाँ पे सारी लीव्स गिरी हुई हैं। फॉल सीजन इज वन ऑफ द बेस्ट सीजन्स इन कनाडा, सो कलरफुल। द ओनली सैड थिंग अबाउट फॉल सीजन इज लॉन्ग एंड हार्श विंटर्स दैट फॉलो दिस सीजन। हम उस एरिया में आ गए हैं जहाँ पे ये गीज दूर से दिखाई दे रहे थे एंड बर्फीला ठंडा पानी है, पर ये आराम से तैर रहे हैं क्योंकि इनके फेदर्स जो है बहुत ही हैवी होते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, जो कैनेडा गूज जैकेट है उसमें इन्हीं के फेदर इस्तेमाल होते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, क्या रिफ्लेक्शन आ रहा है पानी में पेड़ों का, सच में ब्यूटीफुल, ऐसा लग रहा है इट इज पैराडाइज ऑन अर्थ। लोटस लीव्स हैं, अभी थोड़ा टाइम स्प्रिंग में, पहले इधर इतने सुंदर लोटस खिले हुए थे। और यहाँ देखिए शौकीन लोग फिशिंग कर रहे हैं बैठकर, जिसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए। फिशिंग कर रहे थे, उनसे मैंने इंटरव्यू लेने की कोशिश की बट ही पोलाइटली रिफ्यूज्ड, ही डिड नॉट लाइक टू बी फिल्म्ड एंड ही सेड दैट विद द ड्रॉप इन टेम्परेचर इट्स बिकम रियली हार्ड टू कैच फिश, रिक्वायर्स ऑलमोस्ट समटाइम्स हाफ अ डे टू कैच वन फिश। ये देखिए क्या लाल हो गए यहाँ पर पेड़, कितना सुंदर दिख रहा है। ये इस तरफ लेफ्ट साइड में पार्किंग भी है मिल पॉन्ड की, तो इफ़ यू डोंट वांट टू वॉक दिस एंटायर स्ट्रेच तो आप सीधे अपनी गाड़ी इधर पार्क कर सकते हैं, यू कैन टेक अ शॉर्टर रूट। फ्रेंड्स, आई विल शो यू दैट हाउ द कलर्स आर टर्निंग रेड फ्रॉम ग्रीन, सो यू कैन जस्ट हैव इट सी हियर, इट्स प्योर ग्रीन कन्वर्टिंग इनटू लाइक येलो एंड सी हियर लिटिल बिट ऑफ रेडिश येलो एंड सी हियर this is the light green color and this color is you can see pinkish and see here it has become pure red, so in the red also you can see different shades. dekhiye friends kudrat ka kya nazara hai, udhar ped ekdam lal aur peele and orange the aur yahan pe ekdam green hai aur aisa lag raha hai jaise yahan pe spring season chal raha hai। ये देखिए वॉक करते हुए ये एंड आ गया है यहाँ पर इस स्ट्रेच का, इधर से हम वॉक करते हुए आए हैं एंड दिस इज द एंड ऑफ द स्ट्रेच। इट इज नॉट अ वेरी लॉन्ग वॉक, हार्डली 5 to 7 minutes एंड इफ यू वांट टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ दिस सीजन एंड नॉट गो फार अवे एंड यू आर लिविंग क्लोजर टू मिल्टन और इन मिसिसागा, यू कैन कम टू मिल पॉन्ड इन मिल्टन, इट इज डेफिनेटली वर्थ अ विजिट। एंड यहाँ से देर इज अ पैरेलल रोड गोइंग एंड वी आर टेकिंग दिस रूट टू गो बैक। ये देखिए फ्रेंड्स, किसी आर्टिस्ट की कलाकारी है, क्या सुंदर सा पेड़ जो है, स्टब पेड़ का स्टब जो है उसको काट के उसने स्टैचू सा बना दिया है। रास्ता लेते हुए वापसी में हम लोग इधर आ गए हैं, इट इज अ वुडन ब्रिज और नीचे आपको मिल पॉन्ड नजर आ रहा है एंड आई थिंक दिस इज एन ओल्ड रेलवे ट्रैक। देखिए अभी हम ब्रिज के ऊपर खड़े हैं, यहाँ पर एक पहले रेलवे ट्रैक था पीछे, जो जैसे कि इशारों ने आपको बताया रेलवे ट्रैक बंद कर दिया है, उन्होंने इसको वुडन ब्रिज में कन्वर्ट कर दिया है। तो ब्रिज के अगर आप दोनों साइड में देखें तो बहुत ही अच्छे कलर दिख रहे हैं। ये देखिए, और आपको यहाँ पर एक कलरफुल लेडी भी खड़ी हुई दिखेगी। देखिए इस रास्ते से हम अभी बाहर निकल कर आए हैं एंड वी हैव कम टू दिस ब्यूटीफुल पैलेशियल हाउस। ये देखिए क्या बढ़िया हवेली है,
and it is a private property just touching the mill pond. पता नहीं कितने मिलियन डॉलर्स की ये प्रॉपर्टी होगी. आई थिंक इट इज फॉर सेल क्योंकि इधर कोई दिख नहीं रहा है अभी. और थोड़ी सी हिम्मत करके मैं इसके प्राइवेट एरिया में जा रही हूँ. ये देखिए क्या बड़ा इसका ये बैक यार्ड है या साइड यार्ड है, आई डोंट नो. ये पीछे इसका शायद स्टोरेज है, गैराज होगा. एंड ये सारा जो एरिया है दैट बिलोंग्स टू दिस प्रॉपर्टी. इट लुक्स ब्यूटिफुल बट डेफिनेटली इट एंटेल्स लॉट ऑफ वर्क क्योंकि समर में ग्रास और विंटर में सारी स्नो साफ करना इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बट आई थिंक डेफिनेटली दे मस्ट बी हायरिंग पीपल टू मेंटेन दिस बिग यार्ड ऑफ देयर्स. आई वांट टू शो यू वन मोर थिंग. ये देखिए स्ट्रीट से लेफ्ट से मैं बाहर निकल कर आई हूँ एंड दीज आर ऑल ओल्ड मिल्टन हेरिटेज हाउसेज. सो ये देखिए ये पुराने पुराने घर हैं, 1850s के भी घर हैं इनमें से कई सारे. दीज आर कॉल्ड हेरिटेज हाउसेज. सम ऑफ दीज हाउसेज बिलोंग टू ब्लैक स्मिथ, फार्मर एंड क्राफ्ट्समैन. एंड जस्ट टू मेंटेन द हेरिटेज दे हैव स्टिल नॉट रिमूव दोज नंबर प्लेट्स. अगर आप क्लोजली देखेंगे तो आपको नंबर प्लेट्स दिखाई देंगी. ये 1855 का बना हुआ नर्सिंग होम है बिलोंगिंग टू मिल्टन हिस्टोरिकल सोसाइटी और ये 1865 का ब्लैकस्मिथ होम. ये देखिए ओल्ड मिल्टन डाउनटाउन की एक और खूबी, ये कॉर्बेट है 1969 की. अगर आप देखें तो नंबर प्लेट में नजर आ रहा है आपको. सो फ्रेंड्स, हैप्पी थैंक्सगिविंग एंड एंजॉय योर लॉन्ग वीकेंड. टेक केयर.